अगर तुम ये पोस्टर को नोटिस बोर्ड पर लगा दोगी, तुम्हें मुझे किरण दी के सामने 1 dozen रेड रोजेस देने होंगे। तो रोज पे यू। बाय, सी या। जब हम पागल पागल फिरते थे। यार हमें तो लगता है कि ये मिस्टीरियस गर्ल कोई भूत है। Stop it, guys! रैड के टेरेस पर शाम 7 बजे। कहाँ हो तुम? Are you there? प्लीज मुझे सही राह दिखाइएगा बाबा जी। अगर मैं कुछ गलत कर रही हूं तो मुझे रोक दीजिएगा। अरे कुछ तो बोलो, कब तक ये घुंघरू की आवाज सुनते रहूंगा मैं? ओके, मैं इसके आगे नहीं बढ़ूंगा, पर मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूं। देखो बहुत हो गया, अब मैं जा रहा हूं। ठहरो। थैंक गॉड तुमने कुछ तो कहा। अब जल्दी से मेरे सामने आ जा। मैं तुमसे मिलूंगी पर एक ही शर्त पर, तुम मुझे देखोगे नहीं। ये कैसे पॉसिबल होगा? ये पॉसिबल है, वहां एक कपड़ा रखा है। उसे अपनी आंखों पर बांध लो। ठीक है, लेकिन वादा करो कि तुम मेरे बिल्कुल करीब आओगी कि मैं तुम्हें महसूस कर सकूं। प्रॉमिस? ठीक है, प्रॉमिस।
सॉरी लुक सॉरी प्लीज एक ही चांस मिला था और वो भी ये तो बता के जाओ कि तुम कौन हो मैं कौन हूं कैसे हूं क्या फर्क पड़ता है तुम क्या हो ये मुझसे बेहतर कौन जाने जिस दिन से तुम्हारे साथ डांस किया है उस दिन से बस मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता आ रहा हूं तुम कैसी हो ये तो बस इस बात से साबित होता है कि तुम्हारे साथ डांस करने के बाद मुझे आज तक कोई नहीं मिला है जो तुम जैसे डांस कर सकता है माय परफेक्ट पार्टनर मुझे डांस नहीं आता झूठ तुम कैसे कह सकती हो कि तुम्हें डांस नहीं आता है तुम बहुत अच्छी डांसर हो सोचो जरा अगर तुम्हें डांस नहीं आता तो फिर तुम डिस्को में मेरे साथ कैसे डांस करती वो तुम्हारा मेरे एक इशारे पर घूम जाना यही एक अच्छे डांसर की निशानी है तुम एक अच्छी डांसर हो सब झूठ अगर मैं डांस कर पाती तो गीता मैम मुझे क्लास से क्यों निकाल देती क्यों मुझसे कहती कि मैं स्टेज पर कभी नहीं डांस कर सकती ये गीता मैम कौन है मेरे सनफ्ला नर्सरी स्कूल की टीचर मैं उनके एक म्यूजिकल प्ले में पेड़ बनी थी और उन्होंने मुझे उसमें से निकाल दिया था तभी से 4 साल की उम्र से मैं जानती हूँ कि मैं बहुत बुरी डांसर हूँ जब से तुम 4 साल की थी तुमसे झूठ बोला जा रहा है और इस गीता मैम को डांस के बारे में कुछ नहीं पता है ठीक है पर मेरी एक बात याद रखना यू आर अ गुड डांसर और आज की शाम को स्पेशल बनाने के लिए थैंक यू मैं जानता हूं काफी देर हो गई है तुम जा सकती हो थैंक यू एंड आई प्रॉमिस मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा आप आ गए नहीं अभी मैं पहुंचने वाला हूं रस्ते में हूं क्यों मुझे कभी भी नहीं लगा था कि आपको मेरी जरा भी परवाह होगी पर आज एक दिन आपने फूल और गिफ्ट देकर दिल खुश कर दिया सुनिए चाय लेंगे या लस्सी दोनों बनाई है और वो समोसे पनीर डाल के बनाए लाऊं ले आओ ले आओ जी ये लीजिए खाइए ना हाँ ले रहा हूँ तुम चाय तो बना के लाओ जी चाय
दीजिए ना, देखिए ना। क्या बताइए ना, मैं कैसी लग रही हूँ? खास मौका है क्या आज? या गलती हो गई है जो इतना साज श्रृंगार किया है? नहीं नहीं, वो मुझे भी याद नहीं रहा था, पर वो गिफ्ट और फूल देखे ना तो मुझे याद आया कि आज वैलेंटाइन्स है। कौन सा गिफ्ट? पागल होगी वो क्या? मैं कोई गिफ्ट नहीं लाया। अरे आज कोई त्योहार है क्या? दिवाली है, शादी है जी, पर वो वैलेंटाइन्स भी तो त्योहार ही। क्या बेकार की बातें कर रही हो तुम? जाओ ये चाय गर्म करके लाओ, ठंडी हो गई है, जाओ। वैलेंटाइन भी त्योहार होता है, वैलेंटाइन डे। जिया, मुझे तुम्हें बस इतना बताना है, मुझे तुम्हें बस इतना बताना है कि तुम परफेक्ट हो, कि तुम परफेक्ट हो, तुम परफेक्ट हो, तुम परफेक्ट हो। ये टप्पू है और टप्पू रहेगी, 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 है और टप्पू रहेगी। मैं परफेक्ट हूँ, परफेक्ट हूँ। Sunflower Nursery School. मिल गया। Oh no! इस शहर में 23 Sunflower School हैं। कैसे ढूंढूंगा मैं इस गीता मैम को यार? छुपाने की क्या बात है? लड़कियां बिना कोई आदमी किसी लड़की का चेहरा देखकर क्या करता? मैं खा जाता। कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा।
सुन नहीं रही हैं? मुझे तुझसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। अब तू ही बता, ये प्यार नहीं तो फिर क्या है डब्बू? आज समर ने मुझे परफ्यूम दिया, फूल दिया। अकेले में मुस्कुराती है, महेश के डांट का कोई असर ही नहीं है तुझ पर, क्या बात है? कुछ तो है। क्या है दादी? कुछ भी तो नहीं है। जैसे तुझे पता ही नहीं है मैं क्या पूछ रही हूँ। अरे दादी हूँ मैं तेरी। मुझे सचमुच नहीं पता आप क्या पूछ रही हैं। अच्छा चल ठीक है दादी, बाद में, पहले हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स है ना, तो फिर फ्रेंड्स आपस में कोई बात छुपाते तो नहीं है ना? तो मैंने क्या छुपाया? कुछ है ही नहीं दादी बताने को, तो मैं बताऊं भी क्या? ठीक है अब तू मुझे बुला, मैं बिल्कुल नहीं आऊंगी। वैसे एक बात की खुशी है मुझे, कम से कम तेरे पास कोई बात तो है ना जो दादी से छुपा सकती है। क्या दादी आप भी? कुछ भी नहीं है दादी। खा गई, आसमान निकल गया। कहां चले गए वो कागज? यहीं तो रखे थे। अरे पंख लग गए क्या उन कागजों को? अब खड़ी खड़ी क्या देख रही है, ढूंढ। अरे बहुत जरूरी पेपर्स हैं वो कमेटी के। साधना काम जी, मेरे जाने के बाद कोई आया था यहाँ? अंदर भी नहीं है जी। अरे बेवकूफ औरत, अंदर कैसे होंगे? यहाँ रखे थे, यहाँ यहाँ यहाँ। मैंने क्या पूछा? मेरे जाने के बाद कोई आया था? कोई दूध वाला, धोबी खन्ना के यहाँ से, कोई हिमानी वगैरह? नहीं। मेरी बेगुनाही का सबूत है वो कागज। अगर वो मुझे नहीं मिले तो मेरी नौकरी चली जाएगी हमेशा के लिए। सुन रहे हो तुम? क्या चाहते हो तुम लोग, मैं जिंदगी भर अपनी बेटी की कमाई खाऊं? अरे कमेटी बैठ रही है, कमेटी, उन्हें सबूत चाहिए, सबूत। अब खड़े खड़े क्या देख रहे हो, ढूंढो। मुझे माफ कर दीजिए बाबा जी, मैं तो परफेक्ट टब्बू ही हूँ। कौन से पाप किए थे मैंने जो तू मेरे घर में पैदा हो गई? तेरी अकल घुटनों में है क्या?
ये कागज काम के हो सकते हैं, ये तेरी समझ में नहीं आता क्या बेवकूफ, बेअकल? तुझे डब्बू ही बनना था तो किसी और के घर पैदा हो जाती, किसी अमीर के घर में पैदा होना चाहिए था जहां तेरी गलतियों की भरपाई हो पाती। मेरा ही घर मिला था तुझे पैदा होने के लिए। अपने नसीब को कोसता है, कैसा बाप है तू, जिस बेटी के पैदा होने से तुझे मुंबई में ट्रांसफर मिला, जो तेरी एक शाबाशी के लिए तरसती रहती है, तुझे खुश देखने के लिए कुछ भी करना चाहती है, जो उसे तू जलीकट्टी सुनाता है। हाँ, तुम बीच में मत बोलो। मुझे कोई शौक नहीं है, सुन ले, बल्कि मैं तो ये सोचती हूँ कि तेरी जगह अगर ये किसी कसाई के घर में पैदा होती ना तो ज्यादा अच्छा होता। तुम्हारे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, ये डब्बू है और डब्बू रहेगी, सारी जिंदगी मुझे भुगतना पड़ेगा। उसकी जगह अगर बेटा होता तो एक बरदार जिसे जिसे छुआ तो सोच ले, मैं तेरी मां हूं, एक पल में ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। मेरे जीते जी इस पर हाथ उठाया ना तो सोच ले। बेइज्जती करा के खुश हो गई, ठीक है, जो हुआ सो हुआ। एक बात याद रखना, मेरी चीजों से दूर रह, और जब बख्श दे मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। बोलो। याद है मैंने तुम्हें बताया था कि मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। कौन? क्या ढूंढ रहे हो? क्या चाहिए? वो रिकॉर्ड्स जो हम एडमिशन के पहले लेते हैं, यू नो, मार्कशीट्स, स्कूल के रिकॉर्ड्स। मान लो वो लड़की मिल भी गई और अगर वो तुम्हारी परफेक्ट पार्टनर ना निकली और कोई बेवकूफ सी लड़की हुई तो? इतने साल हो गए अभी तक घर का हिसाब किताब रखना नहीं आया, दूसरों की बीवियां पता नहीं कैसे बचत कर लेती, एक हमारी बीवी है।